मामो आगे मैडम एक नंबर पे देखिए लिलित नहीं कर रहे बोलो हमारे साथ के साथ भी हमारे साथ के बाद भी हमारे साथ जरा छुट्टू एक नंबर मैडम नाराज जो है उनको भी मना लेंगे क्योंकि हमदुस्लाम का साथ रहा है हमेशा सब उनके साथ रहे हैं और ये लोग भी हमेशा आपकी सपोर्ट किए हैं मेरे साथ भी मेरी भी सपोर्ट किए हैं इंशाल्लाह ताला ये बार भी हम सब मिलकर काम करेंगे थोड़ा ही नाराजगी रहती है इंशाल्लाह ताला वो भी दूर हो जाएगी साथ है शुक्रिया इसलिए मैं अदा करना चाहती हूँ यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके घर के तमाम लोगों का भी मैडम पूरे पूरी ब्रदर भी हमारे भाभी के साथ में है और हम पूरे शुरू से आज तक साथ में हैं अभी भी साथ में हैं पूरी ब्रदरी लिखा है चंद लोग हैं हमारे कुछ बोल रहे हैं वो कुछ उनका कोई मतलब नहीं है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैडम कनिष्क फातिमा ने मुझे इस आवाज़ है मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ शुक्रगुजार हूँ और रही बात यहाँ पर आज मैडम मार्केट के अंदर हमने पूरे लोग मिलकर पूरे बिरादरी के लोग मिलकर यहाँ पर बुलाए हैं उनको चीज़ के हम चीज़ क्या चीज़ है हमारे पास क्या नहीं हर चीज़ एक मालूमात कर लेने के लिए है लेकिन माशाल्लाह सब लोग हमारे बिरादरी के हर कोई बच्चा छोटा बड़ा सब जो है ना मैडम जो है ना कनिष्क फातिमा के साथ है और हमेशा रहेगा साहब के साथ भी थे अब भी है और जब भी रहेंगे पे जाना कोई मतलब नहीं हमको मालूम है कौन सी चीज हमको मालूम है कि कोविड में मैडम ने कैसा क्या हम किया कैसा क्या हम जो हमसे हमेशा राय मशवरा करते थे तुम्हारे पास क्या हालत है क्या नहीं और आप क्या कर रहे हैं तो हम भी मैडम से जाके मुलाकात करते थे फिर कहते थे कि ऐसी नहीं ऐसी हालत है बेशक हमको जो है ना बरोबर कॉपरेट किया है मैडम और हमेशा करते रहेंगे हमेशा उनके साथ हम साथ हैं इंशाल्लाह हमेशा साथ देंगे लोगों की नाराजगी है डायरेक्ट मैडम से या खमरुल इस्लाम साहब की तरफ से नहीं शायद किसी और वजह से या अपनी जातियत पे होंगी कुछ मैडम की तरफ से या पार्टी की तरफ से किसी को डैमेज नहीं है ना किसी की वो अपनी अपनी कोई सोच है उसको एक अलग तरीके से ला के समाज में अगर रख ले तो गलत है इलेक्शन की खत क्या है देखो ये लोग क्यों जमते ये इज्जत क्यों मिल रही है मोहब्बत क्यों मिल रही है और खमरुल इस्लाम साहब के दौर से हमारा हमेशा ये पैटर्न रहा है कि हम हमेशा तरकारी मार्केट भी आते थे या कि लोग साथ देते भी थे और कभी भी कोई मसला आया तो पूरे लोग कॉरपोरेटर्स हो साहब के घर से हो या जो सादिका कॉरपोरेटर्स हो हर अहदेदार चाहने वाला एक दूसरे से मसले को हल करने के लिए तकलीफ का आगे रहा है जेडीएस का काम देखे सिर्फ मैडम को टारगेट करना है
इसका जवाब आवाम देंगे, आवाम देंगे। एक तारीख के दिन, 10 तारीख के दिन आवाम देंगे। एक नंबर पे मैडम है तो एक नंबर पे ही रहेंगे। उसी समय फराजुल इस्लाम मैडम कनीस फातिमा ने चलो हम तुम्हारे साथ में, ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं, बोले कौन कैसा उठाते हैं। उसी लम्हा मैडम ने बागबान बिरादरी की आवाज़ पे लब्बाए कहकर इस मार्केट में आकर तमाम लोगों से बात की, पूरी डिपार्टमेंट से बात की, कॉर्पोरेशन वाला से बात की। यहाँ पर कई सालों से ये मार्केट लगी हुई है, इंशाल्लाह मैं जब तक जिंदा हूँ ये मार्केट इसी तरह लगी हुई रहेगी। बल्कि तमाम बिरादरी के साथ मिलकर बैठ कर जो है ना यहाँ पे बात कर सब लोगों को वापिस कर करके यहाँ से चले गए थे। फिर रात के सुनसान माहौल में 1:30 बजे रात में जो है ना फिर यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हुए थे। फिर हमारे फराजुल इस्लाम साहब और साथ में तमाम कॉर्पोरेटर्स साथ में आकर डट कर यहाँ पर हम 3 बजे रात तक मुसलसिल यहाँ पर बैठे। इसके बाद कोई यहाँ पर नहीं आया, रमजान के जब से आज तक भी यहाँ पर कोई नहीं आया। इंशाल्लाह आइंदा भी यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा। मैडम के साथ पूरी बिरादरी के साथ, पूरी बिरादरी विद गुलबर्गा नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम कास्ट के लोग एक नंबर बटन पे दबाकर 10 तारीख को बटन दबाकर 13 तारीख को इसका रिजल्ट मुंह तोड़ जवाब देंगे।